किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत ने बीपी गंगा के साथ बात की और इशारों इशारों में ये दावा किया कि कृषि कानून की वापसी तो हुई है लेकिन समझौता पूरी तरह लागू नहीं हुआ। ऐसे में सरकार गलत फैसला लेगी तो किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है। कृषि कानून वापस कर लिए गए तो क्या सरकार ने आपकी बात मान ली? लगभग 13 महीने आंदोलन चला, कानून वापसी हुई बात कहाँ भी? किसान की तो समस्या ऐसी की ऐसी है, कानून एक बीमारी थी, आने से पहले उसका पता चल गया, उसका कुछ समाधान हुआ, लेकिन जो किसान की समस्या है वो ऐसी की ऐसी अभी है। सरकार अभी बात नहीं कर रही, जो समझौता हुआ था दिल्ली में वो भी अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल है, आज जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, बीजेपी ने जयंत चौधरी को ऑफर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझसे ऑफर नहीं दे, सीधे किसानों से जो 700 किसान सही हुए उनसे जाते। अब वो तो पता नहीं भाई किसका क्या गठबंधन क्या है, वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि अगर सरकारें गलत फैसले लेगी तो हमारा मूवमेंट और किसान तैयार है। आज दिल्ली में जो है जाट समुदाय के कुछ लोगों की बैठक हुई थी, तो इसको लेकर क्या है? वो तो जाट महासभा का कोई अध्यक्ष होगा वो बता पाएगा, मैं ये तो नहीं। ठीक, तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का कहना है साफ तौर पर कि ये जो भी है जिस पार्टी का निर्णय है वो वही जवाब देगा। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। जाट नेताओं और शाह की मुलाकात महज दिखावा है ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मुलाकात करने वाले जाट नेता किसान आंदोलन में नहीं थे। तो इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं सुभाषपा के अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा आरएलडी और आपका जो गठबंधन है वो चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है जाट नेताओं को मनाने की कोशिश, देखिए मानता वो है जो सुखी होता है, 12 महीने कभी उलट करके भी माननीय गृह मंत्री जी गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ किसान अपने हक के लिए बैठे थे 12 महीने वहाँ नहीं गए। आज जब किसानों को ज़रूरत थी तब तो ये नहीं गए, आज इनको ज़रूरत हुई है। जब ये अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री, बड़ी ताकत होती है, इन्होंने यह एहसास किया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है, जिस तरह दिल्ली में भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत पीछे हैं, तो यही माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांगने गए। हश्र क्या हुआ, 3 सीट दिल्ली में जीत पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे लेकिन हश्र हुआ कि मात्र दिल्ली में 3 सीट जीते। ये साबित होता है कि जब उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और जाट समाज के लोग, गुजर समाज के लोग ही नहीं, वो गलत ट्रैक पकड़े हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान शाक्य सैनी माली भी है, प्रजापति पाल कुम्हार नाई भी है, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी है, जाट गुजर भी है, मुसलमान भी है, किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान होता है। तो वो एक जाति को बुला रहे हैं और उसको बुला रहे हैं जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जाटों ने नहीं लिया, नहीं, उन नेताओं को बुला रहे हैं जो वहां हिस्सा नहीं लिए।